मैं आ चुका हूँ सोमनाथ बस स्टैंड पर हूँ अभी फिलहाल, और मंदिर यहाँ ज़्यादा दूर है नहीं। रात के 8:30 बजे बस चल दी थी, आ गई थी वहाँ पे द्वारका में, और वहाँ से लगभग वही 6-6 घंटे लेकर अब हम लोग आ गए हैं सोमनाथ महादेव के यहाँ, और अब दर्शन करेंगे। अभी तो सुबह अभी नहीं खुला होगा। ये है सोमनाथ का छोटा सा बस स्टैंड, और देखते हैं जाकर। छोटा तो नहीं, काफ़ी अच्छा है वैसे, बड़ा है शायद। वो मंदिर भी दिख रहा है भगवान का, हाँ वही है सामने। सुबह के बज रहे हैं 4, और सामने ही भगवान ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है। और यहाँ पे उससे पहले एंट्री गेट से पहले ये कुछ चीजें यहाँ पे हैं, पुराने से पत्थर लग रहे हैं। अभी इतनी जल्दी एंट्री शुरू हुई नहीं है, तो हम लोग बाहर से बस देख रहे हैं, और इधर उधर थोड़ा बहुत तो सोमनाथ में कई सारे स्थान नहाने धोने के लिए, यहाँ पे भी आप नहा सकते हैं। ये लोग 50 रुपये चार्ज करते हैं नहाने के लिए। और अभी तो हो गया हमारा, अभी तो दर्शन नहीं होंगे, 6 बजे खुलेगा मंदिर, तब आरती दर्शन तब होंगे। दर्शन हो गए महादेव के और सोमनाथ महादेव के, और अंदर गर्भगृह इतना ज़्यादा भव्य है, पूरा गर्भगृह स्वर्ण मंदिर है, इतना ज़्यादा भव्य मंदिर, मतलब तृप्ति मिल गई मन को, इतना अच्छा लगा। अंदर मंदिर बहुत भव्य है, गर्भगृह बहुत भव्य, बड़े अच्छे से दर्शन हुए, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। डर भी है, आप लोगों ने सुना होगा, जो कि इसका पॉइंट दक्षिण ध्रुव की तरफ है, जो उधर अगर आप डायरेक्शन में सीधे जाएंगे तो कोई भी ज़मीन का कोई भी टुकड़ा भी नहीं, बीच में नहीं आएगा, दक्षिण ध्रुव को आप पहुँच जाएंगे। तो दर्शन हो गए हैं बड़े अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हुए। अभी फिलहाल सूरज नहीं निकले हुए हैं और निकलने वाले थोड़ी देर में, बाकी बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर निशुल्क लॉकर रूम है, यहाँ पर सामान जमा हो सकता है आपका उस साइड से। इधर ये वाला प्राइवेट है शायद, इसमें इसने 20 रुपये लिए लेता है, 20 रुपये लिए हम लोगों से, और ये निशुल्क है। अंदर जूते चप्पल उतारने की जगह है, और बाकी बहुत ही अच्छा। भीड़ शुरू हुई धीरे धीरे, हम लोग तो बहुत जल्दी आ गए थे, हम लोग तो आ गए थे यहाँ पर कितने बजे, 4-3 बजे ही आ गए थे, 4 इंतजार करते रहे। 6 बजे मंदिर का पार्ट ओपन होते हैं, और सामान ही जमा होना लॉक रूम में 6:45 पे शुरू होता है। तो अभी फिलहाल और आसपास के लिए देखते हैं, पीछे पीछे बीच है, बीच पर जाएंगे, और वहाँ से फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड था नहीं, तो ना तो फोटो हो पाई अंदर से, ना कुछ भी बाहर से ना ले पाए फोटो वगैरह, वो ले पाए। और ये बीच है, और बीच का टिकट है 5 रुपये पर पर्सन। तो और यहाँ से पूरा बढ़िया से समुद्र का नज़ारा, और अभी इतना अच्छा टाइमिंग है, गोल्डन आवर है, कि सनराइज जस्ट होने ही वाला है, तो बैठ के सनराइज देखेंगे। क्या बात है, लगभग 20 मिनट में सूरज निकलेंगे, 7:26 का समय है। मंदिर, मंदिर के पीछे बीच, और वाओ। और सुबह के बज रहे हैं 7, और ये नज़ारा है सोमनाथ बीच का, मंदिर के जस्ट पीछे। सनराइज नहीं हुआ है अभी तक, और बहुत ही जल्दी होगा। और ये पीछे पूरा अरेबियन सी का नज़ारा, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं सुबह सुबह, और लहरें भी आ रही हैं, बढ़िया साउंड, और इतना सुंदर नज़ारा। लगातार 2 दिन ऐसा सनराइज़ देखूंगा, जो समुद्र मतलब सी शोर से सनराइज देखूंगा। कल भी देखा था द्वारका में, आज मैं हूँ सोमनाथ में, और यहाँ से जब ये सनराइज़ देखूंगा तो वो अलग ही फील होता है। और बस इंतजार कर रहा हूँ थोड़ी देर, देखो लहर। Thank you.
सोमनाथ मंदिर के पीछे ये बीच है पूरा प्रॉपर, जिसके 5 रुपये टिकट है, मैंने अभी बताया था। और आराम से बहुत शांति है यहाँ पर, केवल लहरों की आवाज़ है और लोग अपना कैमल राइड भी चल रही है वहाँ पर, पता नहीं दिखेगा नहीं अभी, थोड़ा सा उजाला की कमी है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इससे थोड़ा ऊपर स्थान ये वाला है जहाँ से और अच्छा सनराइज देखने को मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ सनराइज का एक अच्छा टाइम लैप्स बन जाए। और यहाँ पत्थरों में पीछे बीच पर आगे जा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, नज़ारे ले रहे हैं, बढ़िया सनराइज है। और हम भी थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, लेट्स सी व्यू कैसा आता है। थोड़ा रिस्की है ये, बट व्यू के लिए कुछ भी। ये व्यू है, यही है मेरे पीछे कुछ नज़ारा, जबरदस्त समुद्र का। और देख लिया मैंने बहुत अच्छा सनराइज, एकदम 7:28 पर हुआ था सनराइज। और सनराइज देखने के बाद अब तो सूरज इतने ऊपर है, लोग अभी भी नहा रहे हैं समुद्र में, सुबह सुबह की लहरों में, और एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ऊँट भी आ गए, लोग ऊँटों की सवारी कर सकते हैं, घोड़ा भी है, ऊँट भी हैं। मंदिर के पीछे का रास्ता, यहाँ से पूरा बढ़िया से दर्शन हो सकते हैं मंदिर के। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का ये मंदिर 17 बार इसको तोड़ा, आक्रमण किया, 1000 से 1026 AD तक उसने 17 बार आक्रमण किया। और सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा भयंकर जो आक्रमण था वो इसी सोमनाथ मंदिर का था। पूरी तरीके से उसने ध्वस्त कर दिया था, पुजारी, दर्शनार्थी सबको मार दिया था और इसको लूटा। कुछ लोग बोलते हैं इसका शिवलिंग भी खंडित किया था और बहुत सारी और भी किंवदंतियाँ हैं। जो भी है, हिस्ट्री का पार्ट है। अब इस मंदिर को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दोबारा बनवाया था आज़ादी के बाद, और तब से ये ऐसा ही खड़ा हुआ है। कितने भी बार इस मंदिर को तोड़ा गया, आज भी ये समुद्र के किनारे, अरब सागर के किनारे शान से खड़ा हुआ है। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ। इसी वाले रास्ते से बहुत अच्छे मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, अंदर तो अलाव ही नहीं है। जय सोमनाथ। और ये एक पिलर है जो मैंने अभी बताया था कि इसके जो इसमें जो एरो है उसके डायरेक्शन में सीधा इस साइड दक्षिणी ध्रुव है, विदाउट एनी
लैंडमार्क, कोई भी जमीन नहीं पड़ती अभी, दक्षिण ध्रुव की तरफ पहुंचते हैं। और ये चीज 12वीं शताब्दी या सदस्य पहले की है, जबकि दक्षिण ध्रुव की खोज भी नहीं हुई थी। तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है कि ऐसे किस तरीके से बता दिया गया था। बाकी बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, कोई सर्दी नहीं है यहाँ पर, और नॉर्थ इंडिया में बहुत सर्दी है इस टाइम पर, बट यहाँ नहीं है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला लिंग है, और ऐसी मान्यता है कि इसको स्वयं चंद्रदेव ने स्थापित किया था, और भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कई बार अभिषेक किया है, भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कई बार पूजा की है भोलेनाथ की। और ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है, कल मैंने जो ज्योतिर्लिंग देखा था वो द्वादश यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग था। उज्जैन और काशी विश्वनाथ जोड़कर मैंने उज्जैन और काशी विश्वनाथ, नागेश्वर महादेव और सोमनाथ, 4 ज्योतिर्लिंग 12 में से देख लिए हैं, दर्शन कर लिए हैं, और 8 और बचे हुए हैं, वो भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। भगवान भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो जरूर होंगे, बहुत जल्दी होंगे। ये मुझे सही लगा, ये पूरी रोड जो पीछे आप समुद्र के पूरे समुद्र को देख सकते हैं, और इधर भगवान सोमनाथ का मंदिर का दर्शन, और ये सभी चीज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मज़ा आ गया। सुबह यहाँ आ गए थे और यहाँ पे पूर्ण रूप से अच्छे से दर्शन किए। गर्भगृह पूरा सोने का था, तो बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन हुए यहाँ पे। बहुत गर्मी है यहाँ पे, कड़ी। अच्छा, ये सही है, खमन गुजराती नाश्ता मेरा फेवरेट हो गया ये। तो सोमनाथ महादेव और सोमनाथ बीच के बाद हम लोग जा रहे त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियाँ, हिरण, कपिला और सरस्वती, 3 नदियों का संगम है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं त्रिवेणी संगम, और वहीं पास में ही कुछ पांडव गुफा करके है, वहाँ पर जाएंगे, उसके बारे में पता करेंगे। तो अभी तो जा रहे हैं त्रिवेणी संगम, ये वाली रोड हमें सीधा ले जा रही है। ये है श्री राम मंदिर, और देखेंगे यहाँ पे भी आएंगे। और ये है हिरण, कपिला, सरस्वती नदियों का संगम, इसलिए बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तीनों नदियां आगे जाके समुद्र मिल ही रही। ये थोड़ा सा गंदा शहर की नदी है, कोई दिक्कत, नदियां आ रही हैं, और हिरण और कपिला सरस्वती नदियों का संगम है। बहुत सारे पक्षी, लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं क्योंकि पवित्र संगम में, और पक्षियों को अपने हाथों में लेकर खिला रहे हैं, और बड़ी फन एक्टिविटी है, लोग खिलाते हैं, पक्षी आते हैं, खाते हैं बिना डरे। बढ़िया है, थोड़ा सा स्थिर पानी है तो गंदा भी लग रहा है, लेकिन जो भी है पवित्रता तो पवित्रता ही होती है। पवित्र संगम है 3 नदियों का ये, तो लोग बड़ी खुशी से इस पानी में नहा भी रहे हैं और हाथों में खिला रहे हैं। समुद्र का किनारा तो ये सब शंख वगैरह तो होना ही है इनको, ये तो यहाँ तो मिलेंगे ही बहुत अच्छे से। और ये चढ़ाई के बाद ये है सूर्य मंदिर, बहुत पुराना लग रहा है ये तो। इंगलाज माता गुफा,
माय गॉड, यहाँ पे पूरा भी है। वो यहाँ पे भी है पापा, पापा यहाँ पे भी है। चप्पल पहन के ऐसे जाते हैं? पांडव गुफा है ये। यही थी पांडव गुफा। अंदर एक माता की मूर्ति है और अब यहाँ से ही वापस। बहुत ज्यादा ही नैरो है, सीधा खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। यही थी पांडव गुफा। कुछ नहीं, बहुत नैरो सी जगह है लेकिन है तो बहुत पुरानी। यहाँ पे भी कुछ बहुत पुराना सा है, हिंगलाज माता गुफा या पांडव गुफा कुछ ऐसा है ये। और छोटी सी गुफा थी। बाकी कल से लगातार, परसों से तो मेरी ट्रैवलिंग हो रही, कल पूरा द्वारका और आज तो लगातार बस पैदल बहुत ज़्यादा थकावट तो हो ही जाती है। ठीक है, ट्रैवलिंग का मतलब ही थकावट है, और बट आई एम एंजॉइंग इट। अब हम जा रहे हैं इस राम मंदिर के अंदर। काफ़ी देर से उन गुफा, वो जो गुफा थी वहाँ पे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो अब जा रहे हैं यहाँ। जप लिख रहे हैं, राम राम। राम मंदिर यहाँ पे सोमनाथ में। जय श्री राम। इस मंदिर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जो भी अगर चाहे तो 11 से 3 बजे तक यहाँ पे वो निःशुल्क भोजन प्राप्त कर सकते हैं भरपेट। उसका आपको ऊपर मंदिर में ही पास लेना पड़ेगा जाके, और ऊपर ही काउंटर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है ट्रस्ट की, सोमनाथ ट्रस्ट के जरिए। इतनी भयंकर धूप है, 32 डिग्री टेम्परेचर है 14 जनवरी को सोमनाथ। बाहर से ये बाउंड्री है, इधर से मंदिर पूरी तरीके से दिखता है अच्छे से। श्री सोमनाथ महादेव। और हम लोग तो सुबह सूरज उगने से पहले ही दर्शन कर चुके थे, बहुत अच्छे से। अब बहुत भयंकर भीड़ है, तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं। अब बहुत भयंकर भीड़ है। और ये है अहिल्या बाई होलकर जी द्वारा स्थापित। अहिल्या बाई जी ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को उद्धार किया, द्वार बनवाया, जो टूटे हुए मंदिर थे या जो तोड़े गए हुए मंदिर थे उनको सबको बनाया। काशी विश्वनाथ से लेकर और बहुत सारे ऐसे मंदिर जो अहिल्या जी ने द्वारा खुद से बनवाया और ये बेटा उठाया।
महलेश्वर टेम्पल, सन टेम्पल, ये वही वाला है हम लोग गए थे, सन टेम्पल मीठापुर विलेज, मैग्निफिसेंट सन टेम्पल एट मीठापुर विलेज। ये अलग अलग सोमनाथ में जो मंदिर हैं और दूसरे पुराने आर्किटेक्चर हैं, उनकी पेंटिंग है यहाँ पर, पूरी दीवार पर बनी हुई है। मंदिर के पीछे ही समुद्र दर्शन है, तो वहाँ पे भी जा रहे हैं हम लोग। बाण स्तंभ, बहुत ही अच्छा लगा। दो पिछले दो दिन में समुद्र किनारे बहुत सारा समय बिताया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब आई, मज़ा आया बहुत ही ज़्यादा। और बस अब तो जा रहे हैं यहाँ से, अब तो समुद्र देखना पता नहीं बहुत दिनों बाद ही होगा जहाँ तक। तो ये भी अरब सागर, जो कि भारत के वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट पर है, और गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, इन सब राज्यों से ये लगता है। और मैं हूँ इस सोमनाथ में, तो सोमनाथ तो वैसे ही वेस्ट में है, गुजरात के भी वेस्ट में, पूरे प्रॉपर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री हूँ एक तरीके से मैंने देखा जाए। ईस्टर्न मोस्ट से लगभग दो घंटे बाद सूरज यहाँ उगता है, तो जो भी इतना वेस्ट में हो फिर मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ इस सुबह सुबह यहाँ पर पूरी वॉक की थी, वीडियो में देखा होगा आपने। और तो बस का इंतजार है, जो कि 6 बजे हमारी, अभी बज रहे हैं शायद 3:30, 2.5 घंटे और इंतजार करना है, और फिर यहाँ से वापस सोमनाथ में। एक पूरा दिन बताया, सुबह 3 बजे आ गया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुबह सुबह दर्शन हुए तो भीड़ नहीं रही, रश बहुत कम रहा, तो आसानी दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छा लगा। दोबारा एक और चक्कर आसपास का लगा लिया, और जो आसपास फेमस जगह है वो देखने अब जा रहे हैं वापस। और यहीं तक अच्छा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस ब्लॉग में यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। भाई आपके बहुत करती है, बहुत ज़्यादा करती है। सुबह सुबह दर्शन करने का यही फायदा, भीड़ इतनी भयंकर हो गई कि लाइन में ही लगे लगे 1.5-2 घंटे बीत जाएंगे आराम से। सोमनाथ बस स्टैंड का गेट है ये, मिक्स है, प्राइवेट सरकारी सब बसें हैं, कारें हैं, पार्किंग सब इसी पूरे एक छोटे से एरिया में, यही बस स्टैंड है, यही प्राइवेट बस स्टैंड है, यही पार्किंग है, सब कुछ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर वहीं है, और उस चौराहे से जहाँ से हम लोगों की एंट्री होती है सोमनाथ भगवान के लिए, वही है मंदिर। बड़ा सुंदर सा इसका गोपुरम दिखा, और ये है हमारी बस जो हमें सोमनाथ से राजकोट छोड़ेगी। प्री बुक थी GSRTC का, कि आप प्री बुक कीजिए, रिजर्व करवाइए, और बहुत ही सस्ता किराया है एज कम्पेयर टू UP रोडवेज। तो बहुत 250 किलोमीटर का 160-170 है मात्र किराया, और बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी, एकदम गाड़ी एक बहुत ही अच्छी है, और सस्ता बहुत, मतलब UP कंपेरिजन बहुत सस्ता। तो यही था हमारा सोमनाथ ट्रिप, जा रहे हैं वापस।